नमस्कार, फालतू इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नयन, आप देख रहे हैं अब तक की बड़ी खबरें। चुनाव रणनीति कार प्रशांत किशोर को कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा के लिए चुना है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद यह तीसरा राज्य है जहां पार्टी के लिए काम करेंगे प्रशांत किशोर। विधानसभा चुनाव 15 फरवरी को होना है। दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहे विश्व पुस्तक मेले में पहुंचने वाले लोगों की सहूलियत के लिए DMRC ने गुरुवार को कहा कि विश्व पुस्तक मेले के लिए 18 मेट्रो स्टेशन पर टिकट उपलब्ध होगा। इसमें से कुछ जगहों पर खास काउंटर बनाए जाएंगे। यह पुस्तक मेला 7 से 15 जनवरी तक चलेगा। पाकिस्तान ने 218 मछुआरे को रिहा कर दिया है, लेकिन इसमें से एक मछुआरे की रिहाई से पहले कराची जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। यह जानकारी गुजरात के मछुआरा संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रेजी भाई मनसानी ने दिया है। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज NDMC कन्वेंशन सेंटर में। नोटबंदी और चुनावी रहेंगे प्रमुख मुद्दे। PM मोदी भी बैठक में शामिल होंगे। कनॉट प्लेस को वाहन मुक्त बनाने पर व्यापारियों ने किया विरोध। उनका मानना है कि इस पहल से न केवल वाजिब चौक पर आने वाले को परेशानी होगी बल्कि इससे कारोबार भी प्रभावित होगा। सड़क पर हुई महिला की डिलीवरी, पति ने लगाया अस्पताल से भगा देने का आरोप। सरकारी अस्पताल के निराश करने वाली रवैया से यह खबर UP की है, जिसमें मदद नहीं मिलने की वजह से महिला को सड़क पर ही डिलीवरी के लिए मजबूर होना पड़ा। UP विधानसभा में बसपा ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, जिसमें से 100 में 78 नए प्रत्याशी, 36 मुसलमान प्रत्याशी। मुसलमानों को सपा का परंपरागत वोट माना जाता है। खाते में 100 करोड़ आने से खुश न हो खाता संचालक। अगर आपके ATM की मिनी स्टेटमेंट में 100 करोड़ जैसे अंक दिखे तो हैरान न हो और न ही खुश, बैंक जाए और अपने खाते की KYC मानक पूरा करे। सपा में मचे घमासान के बाद पिता पुत्र में सुलह में जुटा पड़ा सैफे परिवार। फिलहाल अखिलेश और मुलायम सेने के बीच धरती दरार नजर नहीं आ रही है। साइकिल चुनाव चिन्ह पर असमंजस बरकरार है। SBI के चीफ इकोनॉमिस्ट का अनुमान, फरवरी के अंत तक दूर होगा कैश की किल्लत। नोटबंदी सरकार करीब 1.5 लाख करोड़ के फायदे का अनुमान लगाया जा रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ टीम का चयन, आज वनडे T20 की कप्तानी करेंगे विराट। महेंद्र सिंह धोनी ने 4 जनवरी को सीमित ओवरों की कप्तानी छोड़ दी और ऐसे में अब से कप्तानी कोहली को इन दोनों प्रारूपों में टीम की अगुवाई करने का जिम्मा सौंपा जा सकता है। 17 साल के छोटे सचिन ने फिर मचाया धमाल, पहले ही मैच में जड़ा शतक। पृथ्वी शॉ को रणजी सेमीफाइनल में ठीक पहले अचानक मुंबई टीम में शामिल कर लिया गया है। इससे पहले वो मुंबई Under-16 टीम के कप्तान थे। पृथ्वी ने रणजी टीम में शामिल होते ही मौका नहीं गंवाया और जड़ दिया शतक, मुंबई को सेमीफाइनल में पहुंचाया, बने मैन ऑफ द मैच। नहीं रहे मशहूर अभिनेता ओम पुरी, 66 साल की उम्र में आज सुबह दिल के दौरा पड़ने से निधन हुआ। खबर सुन पूरा बॉलीवुड सदमे में है। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी, कई हिस्सों में कपकपाती सर्दी के बीच कोहरे के कारण आज कई ट्रेन प्रभावित हुई है। वहीं श्रीनगर में बर्फबारी से 12 उड़ानें रद्द की गई है। वाराणसी में आज का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। सुबह से घने कोहरे के साथ ठंड बनी हुई है, धूप निकलने के आसार कम दिख रहे हैं और आसमान में बादल छाए हुए हैं। आप देख रहे थे अब तक की बड़ी खबरें।